हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। तुम जगत की ज्योति हो, जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 उसकी 14 आयत में लिखा है। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। परमेश्वर ने कहा कि कोई भी दिया जलाकर उसे किसी बर्तन के नीचे नहीं रखता, बल्कि दीवट पर रखता है ताकि आने जाने वाले लोग प्रकाश पाएं। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि तुम्हें देखकर लोग प्रकाश पाएं। परमेश्वर ने कहा कि अगर लोग तुम्हारे द्वारा प्रकाश पाएंगे, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे और वचनों पर चलेंगे, तो मैं तुम्हारा प्रकाश और ज्यादा बढ़ाऊंगा ताकि तुम्हारे द्वारा और भी रूहें बचाई जाएं। इसलिए अपनी ज्योति को संभाल कर रखें। अगर आप पूरी भीड़ को वचन नहीं सुना पाते तो 10 लोगों को या 5 लोगों को तो परमेश्वर के बारे में बता ही सकते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे अपनी महिमा दिखाने के लिए चुना है ताकि तेरे द्वारा लोग मुझे जान सकें और मेरे कामों को देखकर विश्वास करें कि मैं ही उनका परमेश्वर हूँ, जिसने सब कुछ अपने वचन के द्वारा रचा और अपने हाथों से बनाया है। लेकिन वह लोग जो चर्च आकर भी, मसीह में आकर भी नशे करते हैं, पाप वाला जीवन व्यतीत करते हैं, वह उन लोगों के समान हैं जिन्होंने अपना दिया तो जला लिया है पर उसके ऊपर बर्तन रख दिया है। परमेश्वर की आपके जीवन में एक बहुत बड़ी योजना है। अगर आपको आपके भविष्य के बारे में सारा कुछ बता दिया जाए कि आपके जीवन में परमेश्वर की कितनी बड़ी योजना है, तो फिर विश्वास के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। यूसुफ को ये तो पता था कि उसकी कुर्सी बड़ी होगी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको दर्शन के द्वारा बता दिया था कि उसके भाई और उसके माता पिता उसको दंडवत करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने उसे यह कभी नहीं बताया था कि तू मिस्र का प्रधानमंत्री होगा। परमेश्वर कई बार जानबूझकर चुप रहता है और वह आपको जानबूझकर परीक्षा में डालता है ताकि वह आपको जांच सके कि आप उस कुर्सी के काबिल हो कि नहीं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। यूसुफ अपनी परीक्षा में बना रहा। वह अपने बुरे समय में भी परमेश्वर को नहीं भूला। उसने यह नहीं सोचा कि मैं परमेश्वर को भी मानूंगा और संसारिक रीति रिवाजों को भी मानूंगा और शरीर की इच्छाओं को भी पूरी करूंगा, बल्कि वह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसके इस स्वभाव के कारण एक ऐसा दिन आया जबकि वह चमका और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना। आप एक ज्योति हो और परमेश्वर ने आपको चमकने के लिए बुलाया है। आपको सिर्फ बाइबल से सीखना है कि आपके अंदर कौन सा स्वभाव होना चाहिए और आपको कैसे चमकना है। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझ पर कर ताकि मैं आपके वचनों पर यूसुफ की तरह वफादारी से चल सकूं और आपकी ज्योति बनकर चमक सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।